प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डन के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज अपने मनों को तैयार करें। क्या हाल है दर्शकों, एक बार फिर खुदावन के फजलो करम से एक बार फिर परमेश्वर हमें जोड़ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा ने आपको संभाला है, हमें संभाला है और अपने पंखों के तले हमें रखा है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का लाख लाख शुक्र कि उसकी रहमतें, उसकी दया, उसकी शफकत और उसकी मोहब्बत की आड़ में हम लोग सब बचे हुए हैं। वही हमारी ढाल है, वही हमारी पनाह है, वही हमारे रिफ्यूज है, वही हमारा फोर्ट्रेस या लाल किला है जिसमें हम अपनी पनाह पा सकते हैं। मेरे अजीजों, दोस्तों, कभी आप मार्केट में तो गए होंगे और आपने देखा होगा किस तरह, खास तौर से जब आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं तो कैसे सब्जी या फ्रूट्स या फल या खास तौर से सामान लेने के चक्कर में किस तरह निगोशिएशंस होती है और कैसे कोशिश की जाती है कि प्राइस को नीचे गिराया जाए, नीचे गिराया जाए और सबसे बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस में आपको सामान मिल जाए। और किस तरह, नहीं यार इतना और करो, अरे 1 रुपए और कम करो, 5 रुपए कम करो, अरे इतना महंगा है। आपने देखा होगा किस तरह ये अपने सब्जी वाले, फल वाले और ऐसे लोग किस तरह निगोशिएट करते हैं और कैसे आपको भी उनके साथ लगना पड़ता है ये देखने के लिए कि उसका वैल्यू सही मिले आपको, कि उसकी कीमत सही हो आपके लिए। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये देखिए, आप तो पहचानते हैं ये क्या है। ये 500 रुपए का नोट है, इंडियन करेंसी, रुपीज 500 लिखा है इसमें। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस रुपए को, 500 रुपए के नोट को अगर मैं यूं करूं और मैं इसको यूं करूं और मैं यूं करूं, ठीक है, और फिर मैं इसको यूं करके यूं छोटा सा बना दूं, यूं करके देखिए, देख सकते हैं आप, इसको मैंने छोटा सा बना दिया और उसके बाद अब मुझे बताइए, बिल्कुल छोटा सा हो गया, पहले इतना बड़ा था अब इतना छोटा हो गया, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है। आप बोलेंगे अल्फ्रेड साहब कैसी बात कर रहे हैं, ये तो अभी भी 500 रुपए का है भाई। बिल्कुल सही फरमाया आपने, है 500 रुपए का, इसको मैं और छोटा कर दूं तो फिर भी 500 रुपए का रहेगा, और अगर मैं अपने हथेली में रख के यू करके जोर जोर से मारूं उसको और उसको ऐसा बिल्कुल कुचल दूं उसको और यहां नीचे पैर के रौंद दूं उसको और फिर उठा के आपको दिखाऊं और मैं आपसे पूछूं, इसको खूब मार मार के उसको कीचड़ में डाल दो, मिट्टी में डाल दो, उसको रौंद दूं
और पैरों के तले के नीचे उसको डाल दूं, मिट्टी मिट्टी कर दूं उसको। मेरे अजीजो, फिर मैं आपसे पूछूं यह प्रश्न, आप बताइए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, हाउ वैल्यूएबल इट इज, क्या है इस नोट की कीमत? आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब, वाकई जितने मुक्के मार लीजिए, जितने पैर के नीचे आप इसको दबा दीजिए कीचड़ में या उसकी मिट्टी में इसको डाल दो, इसकी कीमत क्या रहेगी? 500 रुपए। मेरे अजीजों, शायद आज कोई देख रहा है इस संदेश को और सुन रहा है। मेरे अजीजों, मैं खास तौर से मैं उस भाई, उस बहन, उस अंकल, उस आंटी, उस नौजवान से बात कर रहा हूँ, उस बच्चे से बात कर रहा हूँ। अगर आपके मन में ये विचार आता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अटेंशन नहीं देता, मेरे ख्याल से मेरी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते, मेरे भाई बहन कुछ नहीं सोचते, मेरा अजीज दोस्त ने मुझे छोड़ दिया हो, शायद आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया हो या वाइफ ने छोड़ दिया, मुझे मालूम नहीं आज किस क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, क्या तनाव है आपके मन में, क्या टेंशन है, क्या दबाव है, क्या स्ट्रेस है, मुझे मालूम नहीं मेरे अजीज हो, रातों की नींद शायद उड़ गई हो आपकी, परेशान हो गए हो, इस माथे पे अजीबोगरीब लकीरें आ गई हो, परेशानी की लकीरें। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी जितनी भी ठोकरें दे आपको, जो भी आपको छोड़ दे, जो भी आपको नजदीक से नजदीक रिश्तेदार या दोस्त या शायद फैमिली के लोग भी आपको छोड़ दें, मैं बताना चाहता हूं, खुदा की नजर में आप बेश कीमत है। You are precious in the eyes of the Almighty God. खुदा की नजरों में आप बेश कीमत है। जिस तरह इस नोट की वैल्यू कम नहीं होती, उसको मारो पीटो, उसको मुक्के मारो, थप्पड़ मारो, जो मर्जी कर लो इस नोट को, पर फिर भी जब खोला जाए तो ये 500 रुपए का नोट ही रहेगा। वैसे ही मेरे अजीजों, जिंदगी जितने भी थपड़े मार ले आपको, जिंदगी जितने भी धक्के मार दे आपको, आसपास के जितनी भी परिस्थितियां और जिम्मेदारियों का बोझ जितना आपको दबा दे, और जो परेशानी आ जाए, जो सैलाब आ जाए, जो पहाड़ टूट जाए आप पर, मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद, वो यावे, वो यहोवा, वो परमेश्वर हमारा नजात दहिंदा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, परवरदिगार, स्वर्गीय पिता, वो शांति का राजकुमार, वो जीवन की रोटी, वो जो जीवन का जल देने वाला, वो शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा, आपको और मुझको बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी और संपूर्ण शक्तिमान परमेश्वर, अति 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 पवित्र परमेश्वर, वो जो सिंहासन पे विराजमान है, जो पूरी दुनिया को चलाता है, पूरी कायनात को चलाता है, वो खुदावंद, वो खुदावंद आपकी परवाह करता है, आपकी चिंता करता है, और सबसे बढ़कर आपसे बे इंतहा, सचमुच मैं मजाक नहीं कर रहा, बे इंतहा मोहब्बत करता है। सचमुच उसकी नजरों में, उस परवरदिगार, उस खुदावन की नजरों में आपकी बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी कीमत है। आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब, मुझे तो दुनिया वाले कुछ समझते नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूं, यूजलेस हूं, यूजलेस, मेरा कुछ भी वजूद नहीं है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो कोई धन दौलत, मकान, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, अरे मेरा कौन है? एक है हमारे अजीज जो एक ओल्ड होम में रहते हैं, जहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, उसका ना आगे ना पीछे, ना उसने कभी शादी करी, उसका कोई नहीं है परिवार में, उसका ना बच्चे ना बीवी, कुछ कोई नहीं, मतलब उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, उसका कोई भाई बंधु नहीं है, वो अकेला है इस दुनिया में, वो अकेला है।
मेरे दोस्तों, अगर आप उसके जैसे भी क्यों ना हो, आपका कोई भी क्यों ना हो, कोई नहीं हो आपका इस दुनिया में, कोई ना है आपका, ना बीवी ना बच्चे ना कोई भी ना हो, मिसाल के तौर पर मेरे अजीजों, पर एक है, एक है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ना तुम्हें कभी मैं छोड़ूंगा। ओ कितनी तसल्ली मिलती है उन लफ्जों में। ये खुदावन यीशु मसीह के अपने मुंह के बोले वचन है और ये उनकी दिल की धड़कन है प्रभु यीशु मसीह की, कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, और देखो मैं जमानों के इंतहाओं तक मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, वो खुदावन, वो प्रेमी परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको आज वसूख के साथ खुदा के कलाम की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूं कि प्रभु परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, अगर आप उस पर यकीन लाएंगे। एक बड़े अच्छी यहाँ पे एक आयत है, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, मती में और लूका में, और मैं, अगर आपके पास बाइबल है आप उसको खोल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा एक विचार है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कीमत, व्हाट इज योर वैल्यू इन द आईज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, और क्या कीमत चुकाई उसने आपको बचाने के लिए। दोस्तों, मती के 10वें अध्याय में अगर आप खोलें, पहली पुस्तक नए नियम की, दो भाग हैं, पुराना नया, और नए नियम की पहली पुस्तक है मती। मती कौन था? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था, जिसने आंखों देखा हाल, जो उसने देखा, आई विटनेस अकाउंट, वो उसमें दर्ज किया। और धरती और आकाश टल जाएंगे मेरे अजीजों, पर खुदा का कलाम का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। ये किसके वचन है? प्रभु यीशु मसीह के। और प्रभु यीशु मसीह यूं कह रहे हैं, अंग्रेजी में इस तरह है, Matthew 10:29, आर नॉट टू स्पैरोज, दो स्पैरोज, सोल्ड फॉर अ फार्थिंग, एंड वन ऑफ देम शैल नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड विदाउट योर फादर, बट द वेरी हेयर्स ऑफ योर हेड आर ऑल नंबर्ड। Verse 31, फियर नॉट, देयरफॉर ई आर ऑफ मोर वैल्यू देन मेनी स्पैरोज। हिंदी में इस तरह मेरे अजीजों, मती का 10वां अध्याय और 29th वर्स में, उसमें यूं लिखा है, क्या एक पैसे से, एक पैसा, अरे आप बोलेंगे भाई एक पैसा में तो कुछ भी नहीं आएगा, म्यूजियम में मिलेगा एक पैसा, एक पैसे में दो गोरैया, स्पैरोस नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता के जाने बिना उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। कायनात एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, ये पहाड़, ये समुंदर, ये पेड़ पौधे और ये सब कुछ, सितारे सब एक तरफ, और आप एक तरफ, खुदा की नजर आप पे है मेरे अजीजों। आज जो सुन रहा है, परमेश्वर की नजर आप पर है। परमेश्वर जानता है कि कई गोरैयों से, कई स्पैरों से, पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और एक खास कीमत रखी है। आइए इसी वाक्य को हम लूका में देखते हैं। लूका में गौर फरमाइए, अटेंशन दीजिए प्लीज, लूका का 12वां अध्याय और उसके 6वें पद में क्या लिखा है, क्या दो पैसों में 5 गोरैयों नहीं बिकती, फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता है, एक को भी नहीं भूलता है। ब्यूटीफुल। हां, हमारे सर के बाल भी सब गिने हुए, डरो मत, तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। वाह, तुम बहुत गोरैयों से भी बढ़कर हो। आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, मैं बेकार हूं, ना जॉब है, ना कुछ है, ना मेरे पास पैसे है, बच्चों की फीस तो दे नहीं सकता, रेंट सर पे पड़ा है, कर्जा सर पे पड़ा हुआ है, बुरा हाल है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं दे सकता, बिजली के बिल नहीं दे सकता मैं। आप कह रहे हो रोज रोज ताने मिलते हैं मेरी बीवी से, बच्चों को ये डिमांड है, कैसे पूरी करूं मैं पिता, है स्वर्गीय पिता कैसे करूं, अरे मेरा जीवन बिल्कुल ही बेकार हो गया है, मेरा क्या वैल्यू है? आप कह रहे हो वैल्यू है, क्या वैल्यू है मेरी, बेकार हो, यूजलेस हूं मैं। मेरे अजीजों ने
नहीं, आप अपने नजर में ये सोच रहे हैं कि आप बेकार हैं, कोई कीमत नहीं आपकी, पर सोचिए वो हेवनली फादर, वो स्वर्गीय पिता, वो परमेश्वर जो आला है, सबसे महान है, द अल्फा एंड ओमेगा, वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, वो सर्वशक्तिमान खुदावन जिंदा खुदा, वो कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, और मेरी नजर में, खुदावन की नजर में आपकी बड़ी कीमत है। पर एक चीज, छोटी चीज आपको नहीं पता चली है, नहीं नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, हमने मत्ती में क्या पढ़ा था कि दो गोरैया एक पैसा, यहां पे पढ़ा तो चार गोरैयों को कितने पैसे होने चाहिए, दो पैसे, है ना, और यहां पे दो पैसों में पांच गोरैया मिल रही है, पांच स्पैरोज मिल रही है फॉर टू पैसा। अरे अरे मैथ तो गड़बड़ हो गई शायद ना, अरे जब एक पैसे में दो मिलती है तो चार तो दो पैसे में मिलनी चाहिए, ये पांचवा कहां से आ गया दोस्तों, पांचवे आप और हम है। हाँ, आपने कब देखा होगा कभी सब्जी लेते हुए, सब्जी खरीदो, अरे थोड़ा धनिया भी डाल दे यार जरा, अरे हरी मिर्च भी डाल दे थोड़ा सा, अरे मैडम चलो यार एक आलू एक्स्ट्रा ले लो आप, है उस जमाने में, पहले स्टैंड में अभी भी है, उस जमाने की बात बता रहे हैं, उस जमाने में ये जो गोरैया होती थी ना, छोटी छोटी बर्ड्स, खाने के लिए लोग खरीदते, जैसे आप चिकन खाते हैं ना, चिकन खाते हैं, बटेर खाते हैं लोग, वो जमाने में छोटी छोटी चिड़ियों को बेचा करते थे, उसको लोग पका के खाया करते थे, और बिल्कुल इतनी होती थी वहाँ, इतनी तादाद थी उनकी और आबादी इतनी थी उन चिड़ियों की कि वहाँ आम थी ये बात, बिल्कुल आम, जैसे आजकल आप देखते हैं मच्छर और मक्खी बिल्कुल आम है यहाँ पे, जहाँ जाओ वो मिल जाएंगे आपको, वो जमाने में ये चिड़ियाँ आम घूमती थी और इतनी चिड़ियाँ होती थी कि वो बिल्कुल सस्ती बिकती थी, एक पैसे की दो, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मंडियों, एक पैसे के दो, एक पैसे के दो। पर वहां पे प्रभु यीशु मसीह लूका में क्या कह रहे हैं, लूका में प्रभु यीशु मसीह का क्या, दो पैसों में पांच गोरैया नहीं मिलती है, नहीं बिकती मेरे अजीजों, होना तो चाहिए चार, ये पांचवा कहां से आ गया। कहने का मतलब है जब आदमी चार खरीदता है ना तो एक लोग फेंक देते टोकरी में, वो दोस्तों इसका मतलब उस एक का कोई वैल्यू नहीं था, इतनी वैल्यू की बिना थी वो, कुछ खास वैल्यू नहीं थी उनको इन गोरैयों की, कुछ खास कीमत नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस, कुछ भी नहीं मेरे अजीजों। दोस्तों सोचिए द फिफ्थ स्पैरो, वो पांचवा गोरैया कौन है, वो कौन है, हु इज दैट फिफ्थ स्पैरो जिसकी कोई कीमत नहीं, वो आप और मैं हूं। फिर भी मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, आप पढ़िए उसको, पहला कुरिन्थियों 6:20 में उसमें क्या लिखा है, फॉर यू आर बॉट विद अ ग्रेट प्राइस, यू आर बॉट, आई एम बॉट, आप और मैं एक कीमत से खरीदे गए हैं। कहने का मतलब क्या मतलब है दोस्तों, पूरी दुनिया पुराने जमाने में गुलाम बिकते थे, गुलाम मार्केट में जाते थे तो लोग भी यूं खड़े होते थे, अफ्रीका से, एशिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को पकड़ के लाते थे गुलामी करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, घर में काम करने के लिए, लेबर करने के लिए गुलामों को पकड़ते थे वो, और गुलामों की बोली लगती थी, नीलामी होती थी, और फिर लोग उसको खरीद के लेके जाते थे। याद है यूसुफ भी था गुलाम, पोतीफर ने उसको खरीदा था और उसके यहाँ सेवा करता था, याद है आपको। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ हम उस पाप के बाजार में, खुदावन के कलाम में लिखा हर एक ने गुनाह किया है, हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है, कोई नेक कोई धर्मी नहीं है मेरे अजीजों। आप अपने हृदय में, अपने हृदयों की झरोखों को खोल के देखिए कितना ढोंगी दुष्ट है आपका हृदय, इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब तरह की गंदे विचार और सब तरह की बुराइयां और सब तरह के झूठ, सब तरह का धोखा इसी हृदय से निकल के आता है। ओ मेरे अजीजों, हम अपने चाल चलन से, अपने कर्मों से, काम से, अपने विचारों से, अपनी जुबान से, हम पापी हैं मेरे दोस्तों, पापी हैं, फिर भी एक बड़ी कीमत चुकाई गई उस गंदे पापी दुष्ट इंसान के लिए। कौन सी कीमत दी जाएगी, मुझ जैसे पापी इंसान के लिए।
बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है। दोस्तों हमें नर्क ही मिलना चाहिए। हम नर्क के हकदार हैं, हम शैतान की गुलामी कर रहे हैं, हम पाप की बेड़ियों में बंधे हुए हैं हम लोग। ओ हमारा कोई उम्मीद नहीं थी। योहन्ना 3 में लिखा है पहले से कंडेम है, सजा पे लागू है क्योंकि हम गुनहगार हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, डेथ रेंज इन अस, मौत हम पे राज कर रहा है। एक दिन वो हमें ले जाएगा, मौत मिलेगी हमें, ये वेतन मिलेगा इस जिंदगी में हमें। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं और ये बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, कीमत चुकाएगी। वो वैल्यू क्या था, वो ये है पहले पत्रस पहले अध्याय और 18 और 19 में लिखा है, सोने नाशवान चीजें, जैसे सोने चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, हमारा पेमेंट नहीं हुआ, रिडेम्पशन नहीं हुआ, वी आर नॉट रिडीम बाय करप्टेबल थिंग्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, पर कैसे हुआ, बट वी आर रिडीम्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परंतु उसके बेशकीमत निष्कलंक बेताब मैंने के लहू से हमारा छुटकारा हुआ है, उस पाप की गुलामी से, उस नर्क की आग से, उस शैतान की गुलामी से, उसकी गिरफ्त से, उस अंधकार से एक बड़ी कीमत चुकाई प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, जब सलीब पे वो मारा गया, उसको कोड़े मारे, उसके हाथों और पैरों में कीले ठोके दी, सर पे कांटों का ताज, दाढ़ी के बाल नोच दिए, बहुत दुख सहा उसने, बहुत दुख, मैन ऑफ सोरोस बन गया हूं आपके लिए और मेरे लिए, जिसको कभी मरना नहीं था उसने मृत्यु चखी, इंसान बन के आया हमें बचाने के लिए, कीमत चुकाने के लिए। और पौलुस कहता है कुरिन्थियों में, एक कीमत, बड़ी कीमत चुकाई उसने, जब वो खुद उसने मृत्यु चखी, वो मारा गया, उसको दफना दिया गया प्रभु यीशु मसीह को, और इतिहास गवाह है वो कब्र आज भी खाली है, वो तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन रहने के बाद शिष्यों को शिक्षा देने के बाद वो जिंदा ही कई लोगों के सामने माउंट ऑलिव से जिंदा ही स्वर्ग में गया। और बाइबल इसी वायदे से खत्म होती कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे अजीजों आपकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई उसने, बहुत बड़ी कीमत अपने लहू से, कितनी बड़ी कीमत दी उसने। हम क्या बोले दोस्तों, यही बोलिए आज, पुकारिए उसकी ओर और बोलिए खुदावन मैं गुनहगार हूं प्रभु, मैं पापी हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, फिर भी आपने इतनी बड़ी कीमत दी, आप मारे गए, आपका बेश कीमत लहू मेरे लिए बहाया गया मुझ जैसे पापी के लिए। ओ प्रभु जी धन्यवाद कि आपने अपनी जान मेरे लिए दी, इतनी बड़ी कीमत मुझे पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, उस नर्क से बचाने के लिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे। प्रभु जी आप ही मेरे सच्चे खुदा हैं। मैं आज अंगीकार करता हूं कि मैं पापी और आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता, प्रभु करके ग्रहण करता हूं। आप ही मर के जी उठे प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मुझे बचा लो। मैं प्रभु जी धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे प्यार करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीजों अगर ये प्रार्थना आपने करी है सच्चे मन से, वो खुदावंद अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिल में आ गया, आपके 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 साथ वास करेगा, वो सचमुच वो वास कर रहा है। अगर आपने सचमुच ये प्रार्थना करी, आपके पाप क्षमा हो गए मेरे अजीजों, और याद रखो आपकी कीमत बेशकीमत है खुदा की नजरों में,
कि उसने अपनी जान दे दी आपको बचाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, व्हाट अ सेवियर, हालेलुया, कैसा है अद्भुत हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निःसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस JeevanJalTV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।